जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे, और बढ़िया ना भी हो तो आपका मूड अभी बढ़िया होने वाला है जब OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज रिलीज होने वाली हैं इसी हफ्ते में, जिनमें से ज्यादातर इसी फ्राइडे के दिन में ही रिलीज होने वाली है। तो क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है इस हफ्ते में, आज से लेके फ्राइडे के दिन तक, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। सबसे पहले तो कल वाली वीडियो लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि एडिटिंग में कुछ पंगा हो गया था, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आगे से पूरा ध्यान रखूंगा कि वीडियो की एडिटिंग भी पूरी परफेक्ट हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले आज के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक बढ़िया हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज टर्निंग पॉइंट, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलने वाली है जब अमेरिका के एक हाई रैंक ऑफिसर को आधी रात को कॉल आती है कि US के ऊपर करीब 200 मिसाइल्स का अटैक हो रहा है, और थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि वो 200 नहीं बल्कि 2000 मिसाइल्स होने वाली हैं। तो क्या थी उस अटैक की पूरी कहानी और कैसे US उस अटैक से बचा, वही पूरी कहानी हमें हिंदी लैंग्वेज में इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जो अभी आए दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, और हिंदी लैंग्वेज में भी आने वाली है तो और भी ज्यादा रिकमेंडेड है। इसके बाद कल के दिन में मींस के 13 मार्च को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक बढ़िया हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज बैंडिडोस, जिसे इंग्लिश में बैंडिट्स भी कहते हैं और हिंदी में चोर। तो चोरों की एक बड़ी चोरी की कहानी होने वाली है, जो अभी एक बड़े खजाने की खोज में निकलने वाले हैं, और कहानी एक बड़ी टीम की होने वाली है जो खजाने की खोज में काफी दूर निकलने वाली है। तो कहानी क्राइम और मिस्ट्री के साथ कैसे आगे बढ़ती है वो तो इस सीरीज में देखते ही बनेगा, जो अभी कल दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, और ये भी एक रेकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है क्योंकि हिंदी डब में भी आने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई थी एक नई हिंदी बॉलीवुड बायोग्राफी मूवी, जिसका नाम है मैं अटल हूँ, जिसमें हमें पंकज त्रिपाठी जी मेन रोल में देखने को मिलते हैं, और कहानी दिखाई जाती है हमारे इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिंदगी के ऊपर, कि उनकी जिंदगी का स्ट्रगल कैसा रहा और उन्होंने अपनी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे फैसले लिए जिन्होंने इंडिया का फ्यूचर बदल दिया। तो वही पूरी कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, जो अभी OTT रिलीज के लिए भी कन्फर्म हो चुकी है, और अभी हमें इसी थर्सडे मतलब 14 मार्च से Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। ये भी एक बड़ी और मस्ट वॉच रिकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी थर्सडे को ही रिलीज होने वाली है एक बढ़िया और नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई, जिसे शॉर्टकट में BGDC नाम के साथ रिलीज किया जा रहा है, जिसमें हमें पूजा भट्ट के साथ और भी कई नए एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, और राइमा सेन भी उनके साथ ही इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी वैसे कुछ खास तो नहीं लग रही, बट इस सीरीज को ट्राई जरूर कर सकते हैं, जिसमें भी हमें सस्पेंस ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया एनिमेशन एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो वेब सीरीज रिलीज की गई थी, जिसका नाम है इनविंसिबल, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, और अभी इस थर्सडे मींस के 14 मार्च से इस सीरीज के Season 2 का Part 2 रिलीज होने वाला है, मतलब के Season 2 के बाकी रहते हुए एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, जो हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाले हैं। बाकी ये भी एक बढ़िया रिकमेंडेड वेब सीरीज है, जिनको भी एनिमेशन देखना पसंद है। इसके बाद इस थर्सडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक बढ़िया रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आर्ट ऑफ लव, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इस थर्सडे से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें हमें एक ऐसी ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसके पास एक बड़े आर्ट की चोरी का केस आता है, और केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसे पता चलता है कि इस चोरी को अंजाम देने वाला उसका ही एक्स बॉयफ्रेंड है। तो उसके बाद वो उसको कैसे रंगे हाथ पकड़ती है और कैसे कहानी एडवेंचर के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इस थर्सडे दोपहर से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक क्रिंज 18+ एडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज लव इज ब्लाइंड का Season 6, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाला है, और ये रियलिटी शो सीरीज अभी 14 मार्च से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें हमें रोमांस, कॉमेडी, एडवेंचर सब कुछ मसाला देखने को मिलता है, और भी जो भी ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद बात करते हैं इस फ्राइडे के दिन की, जब हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई और बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है मर्डर मुबारक, जिसमें हमें बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं, और पंकज त्रिपाठी जी के साथ करिश्मा कपूर, सारा अली खान, विजय वर्मा, डिंपल कपाड़िया और संजय कपूर के साथ टिस्का चोपड़ा भी मेन रोल में देखने को मिलने वाली है। तो ये एक मल्टी स्टारर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलेगी, जब एक मुंबई के बड़े क्लब में मर्डर हो जाता है, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी चिकन नगेट,
जो इस फ्राइडे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए मिलने वाली है। और कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जो एक जादुई मशीन में जाती है और अचानक से एक लड़की से एक चिकन नगेट में बदल जाती है। तो उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली कैसे उसको जिंदगी में वापस लाते हैं, वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, जो इस फ्राइडे से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक बड़ी हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है आयरन रेन, जो एक स्पेनिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इस फ्राइडे को देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें कहानी हमें एक बड़े ड्रग एम्पायर की देखने को मिलने वाली है जो बार्सिलोना शहर में अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन अभी उनके पास एक नई डील आने वाली है जिसके बाद उनके बिजनेस के साथ साथ उनकी जिंदगियां भी खतरे में आने वाली हैं। तो पूरी कहानी हमें एक्शन और एडवेंचर के साथ भरी हुई कहानी में दिखाई जाने वाली है, जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इस फ्राइडे से ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी नेटफ्लिक्स पे। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक बड़ी साउथ की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम है ब्रह्मा युगम, जिसे थिएटर्स में काफी अप्रिशिएट किया गया इस मूवी की यूनिक सिनेमेटोग्राफी की वजह से, जो एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और मलयालम इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार मिस्टर ममूती की बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जिसको लेकर एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि ये मूवी अभी हमें इस फ्राइडे से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है और साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी हमें एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है जिसको आपको एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से लास्ट ईयर में ही साउथ की एक 18 प्लस एडल्ट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज की गई थी जिसका नाम था सेव द टाइगर्स, और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने वाला है जो अभी इस फ्राइडे से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें कहानी हमें कुछ फ्रेंड्स की देखने को मिलती है जिनकी अटपटी सी हरकतें हमें इस सीरीज की कहानी में काफी हंसाती हैं, और हिंदी डब में भी आने वाली है तो और भी बढ़िया बात है। अभी बहुत सारी पंजाबी बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं जो बड़े बजट होने के साथ साथ बढ़िया क्वालिटी वाली मूवीज भी रहती हैं और पूरी इंडियन ऑडियंस ही उनको देखना चाहती है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में नहीं आती तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाती है। तो इसी के चलते हुए ही साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी ब्लॉकबस्टर पंजाबी मूवी कैरी ऑन जट्टा 3 को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी हमें इसी फ्राइडे से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें पागलपंती से भरी हुई कहानी देखने को मिलती है और ये एक मस्ट वॉच पंजाबी मूवी है जो अभी हिंदी ऑडियंस भी हिंदी डब में देख सकती है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो ऑन डिमांड पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज की गई थी एक बढ़िया हॉलीवुड की सर्वाइवल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी नो वे अप, जिसमें हमें कहानी एक प्लेन क्रैश की देखने को मिलती है जो प्लेन हवा से गिरते हुए बीच समंदर में आ गिरता है, तो उसके बाद पैसेंजर जिंदा तो बच जाते हैं लेकिन समंदर के पानी के अंदर एक बड़ी शार्क भी उनके आसपास घूम रही है, तो उस बड़ी शार्क से और खत्म हो रही ऑक्सीजन से कैसे बच पाते हैं वही हमें इस सर्वाइवल थ्रिलर कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी 15 मार्च से लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई फ्रेंच ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज द ऑट्रियो केस, जिसमें हमें फ्रेंच हिस्ट्री के एक बड़े केस की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसमें चाइल्ड अब्यूज होता था और वो बड़ा केस कैसे एक जुडिशियल डिजास्टर बन गया वही हमें इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाने वाला है, लेकिन अफसोस ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, बट जो भी कंफर्टेबल रहते हैं थोड़ा सा भी इंग्लिश में देखते हुए उनको इस वेब सीरीज को जरूर देखना चाहिए अगर आपको सच्चे क्राइम्स वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखना पसंद है। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई ओटीटी पे आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज, बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज अनाउंस होती रहेंगी, तो ऐसी बढ़िया अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में जिसमें मैं आपको इस फ्राइडे एंड सैटरडे को रिलीज होने वाले बाकी बढ़िया कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।